नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस बार बार धर्मेंद्र अकेडमी में। मित्रों, कई बच्चों के कमांड आई से व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू पूछा गया था, सर जो हमारा डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा हुई है, सर उसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, कब तक उसका रिजल्ट आ जाएगा, या रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है। इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको देने के लिए मैं इस वीडियो को लाया हूँ मित्रों। तो हमने पीएनपी जा कर के बात की थी और पूछा गया था कि भाई डीएलएड 2018 के जो सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा हुई है, 17 तारीख को संपन्न हुई आपकी, उसको रिजल्ट आने में इतनी देरी क्यों हो रही है। तो वहाँ से बात एक निकल कर आई कि भाई कुछ कॉलेजों के, लगभग आधे से अधिक कॉलेजों के, मतलब आधे से अधिक कॉलेजों के जो कॉलेज हैं बीटीसी प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं आपको, उनमें बाय बाय जो होना है उसका कंडक्ट ही नहीं कराया गया, क्योंकि अभी उनकी डेट डिक्लेयर नहीं हुई। तो काफ़ी कॉलेजों में वाइवा हो चुका है और काफ़ी कॉलेजों में वाइवा कंडक्ट नहीं हो रहा। तो पीएनपी से हमने इसका जवाब मांगा था भाई कि क्या विचार आपका इस कॉलेजों के जो वाइवा की डेट के संबंध में क्या विचार है। तो उन्होंने कहा था कि जो वाइवा की जो तारीख है वो जल्दी आपके लिए घोषित कर दी जाएगी और शीघ्र ही आपका जो वाइवा कंडक्ट करके जो मार्क्स हैं उसे अपलोड कर दिया जाएगा। और हमने ये भी पूछा था कि भाई आपका जो डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा हुई है उसका मूल्यांकन अभी शुरू हुआ है कि नहीं, क्योंकि देखिए मेरा वीडियो को लाने का मतलब यही था कि जो भी आप बच्चे आप प्रश्न पूछ रहे हैं उन सभी को आपको जवाब देना था। काफ़ी बच्चों ने पूछा सर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, काफ़ी बच्चों के जवाब आए थे कि सर जो हमारा मूल्यांकन कार्य है वो प्रारंभ हुआ है कि नहीं। तो मित्रों वहाँ से जवाब हमें यही मिला था कि अभी जो मूल्यांकन कार्य है आपका वो अभी प्रारंभ नहीं हुआ है और शीघ्र इसे प्रारंभ किया जाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो फोकस उनका है कि आपके प्रत्येक कॉलेज में जो वाइवा है उसे कंडक्ट करना। उसके लिए बात की थी उनसे तो उन्होंने बताया था कि शीघ्र ही वो डेट जल्दी ही जारी करेंगे, क्योंकि मित्रों अगर आपका डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आता है तो इसका प्रभाव आपके सीधे स्कॉलरशिप राशि पर पड़ेगा, क्योंकि कुछ बच्चे नए हैं जो इनका फर्स्ट सेमेस्टर में यानी फर्स्ट में स्कॉलरशिप नहीं आया था और कुछ बच्चे जो पुराने हैं उनको रिन्यूअल कराएंगे, तो उनमें जो आपके रिजल्ट से, क्योंकि अगर पिछली बार का रिकॉर्ड हम खंगा लें 2017 का मित्रों, तो 2017 में हमने समाज कल्याण विभाग से यह पता किया था कि किन किन बच्चों का जो स्कॉलरशिप की राशि थी वो रुक गई थी, वो इसी कारण रुकी गई थी क्योंकि 2017 में ये हुआ था कि आपके जो रिजल्ट आया था वो काफ़ी देरी हो गई थी और आपका स्कॉलरशिप का जो फॉर्म फिल हो गया था, तो उस समय उन्होंने उस फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया था और उन बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आई थी। इसलिए मित्रों आपको करना यही है कि आप अपने अपने कॉलेज जाएं और कॉलेज वालों से थोड़ा प्रेशर बढ़ाएं भैयों, कि कहें कि भाई हमारा जो वाइवा है उसे जल्दी से शीघ्र कंडक्ट कराइए, क्योंकि लगभग आपके पास जो डेट है स्कॉलरशिप की उससे पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। मित्रों आप इस तरह दबाव बनाइए कि आपका जो रिजल्ट है वो शीघ्र डिक्लेयर हो जाए मित्रों, क्योंकि जिससे आपकी जो स्कॉलरशिप राशि है वो आपके खाते में आ जाए। और काफ़ी बच्चे क्या होते हैं स्कॉलरशिप के थ्रू ही उनका प्रशिक्षण प्राप्त होता है, कई बच्चे गरीब परिवार से भी होते हैं, काफ़ी अच्छे परिवार से भी होते हैं, तो सभी के लिए स्कॉलरशिप राशि काफ़ी महत्वपूर्ण रखती है मित्रों। और देखिए कई बच्चों को यह भी दिक्कत आ रही हो कि जो आपका स्कॉलरशिप फॉर्म भरा जा रहा है उसमें आपको मार्क्स कितने भरने हैं, काफ़ी बच्चों का प्रश्न रहा था सर। तो देखिए जैसे आपका प्रश्न पत्र हुए हैं यानी आपके सभी प्रश्न हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इच्छा अनुसार उसमें मार्क फिल कर दिए, जब भी करेक्शन या संशोधन की डेट आएगी स्कॉलरशिप की तब आप उसे सुधार सकते हैं मित्रों। इसलिए जैसे क्या हो जाएगा आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म भी फिल हो जाएगा, आपकी डेट भी नहीं निकलेगी और जो है स्कॉलरशिप की राशि है उसमें संशोधन के पश्चात आप अपनी कॉलेज को डायरेक्ट में उसे कॉलेज में जमा कर सकते हैं और वहाँ से उसे रिन्यूअल करा सकते हैं। काफ़ी मित्रों का जवाब था कि सर जो प्रत्येक जिले की जो डाइट हैं वो प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं उनमें भी अभी बाय बाय कंडक्ट हुआ है कि नहीं मित्रों। तो हम मित्रों हमने आपके प्रश्नों को जानने के लिए हमने लगभग 2 से 3 डाइटों में जिलों में गए थे, वहाँ पर हमने प्राप्त किया कि कई जो डाइट हैं उनमें अभी तो डेट जो बाय बाय की डेट है वो अभी कंडक्ट नहीं हुई, यानी जो पीएनपी द्वारा वो डेट नहीं जारी की गई है, क्योंकि जब तक पीएनपी जारी नहीं करेगा जब तक कोई भी डाइट आपका जो वाइवा है उसे कंडक्ट नहीं कराएंगे। सबसे पहले प्राथमिकता यही है कि पीएनपी से थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाइए, कहे कि वो वाइवा कंडक्ट जल्दी से कराए और डेट इसकी शीघ्र जारी करे, क्योंकि वैसे तो हमें आश्वासन दिया है उन्होंने, बात की थी अनिल भूषण चतुर्वेदी जी से कहा था कि उन्होंने जल्द शीघ्र ही आपका वाइवा कंडक्ट हो जाएगा मित्रों, लगभग आपके 10 से 12 दिन या लगभग 15 दिन के करीब उन्होंने अनुमानित कहा था कि उन्होंने कहा था कि शीघ्र ही आपकी जो वाइवा की डेट है वो जारी कर दी जाएगी। तो जिन मित्रों का या जिन कॉलेजों में वाइवा कंडक्ट नहीं हुआ है वहाँ पर आप भी अपने प्रधानाचार्य महोदय से या जो भी आपका मैनेजमेंट है कमिट आपके, तो उससे थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाइए, कहिए भाई जल्दी से हमारी जो डेट है यानी जो वाइवा है उसे कंडक्ट कराइए, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप फिल करना है, उन्हें अपनी समस्या बताइए कि हमें स्कॉलरशिप के लिए भी आगे फिल करना है। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों आपके सारे प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में मैंने देने की कोशिश की है और आपको मिल भी गए होंगे। ऐसे ही आगे वीडियो पाने के लिए अपने चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। नमस्कार मित्रों।